हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके लट में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रीट भर्ती से संबंधित, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हाल ही में जो शिक्षा मंत्री डोटासरा के द्वारा जो बयान दिया गया है, उसमें कहा गया है कि रीट की जो भर्ती है 2019-20 की, वो जल्द ही करवाई जाएगी। और दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि उन्होंने कहा है कि जो रीट भर्ती है 2019-20 की, वो जल्दी जारी की जाएगी। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे न्यूज़ अपडेट के माध्यम से बताएंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है रीट भर्ती के बारे में, उससे संबंधित पूरी जो डिटेल है हम आपको यहाँ पर बताने वाले। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें और हम आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारी वेबसाइट से आपको जानकारी देंगे कि जो रीट भर्ती की जो लेटेस्ट खबर है दोस्तों, वो क्या दी गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द करवाने के लिए 19 दिसंबर को कैबिनेट सब में कमेटी की बैठक, जिसमें राजस्थान रीट भर्ती दो थर्ड ग्रेड वैकेंसी 2020 के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बयान आया कि जल्द ही अगली बैठक में भर्ती की तारीखों का फैसला किया जाएगा। इस बैठक में मंत्री बी डी कल्ला, मंत्री रघु शर्मा और गोविंद सिंह डोटासरा, कार्मिक व प्रमुख सचिव रोली सिंह ने हिस्सा लिया। और उन्होंने कहा कि जल्द ही आपकी जो भर्ती है, वो रीट भर्ती 2020 करवाई जाएगी और मार्च में उसकी एग्ज़ाम हो सकती है। ये लगभग एक महीने पहले जो मंत्री डोटासरा ने कहा था, जो यहाँ पे सीकर एक राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का उद्घाटन करने के लिए जब मंत्री आए थे, उन्होंने बोला था कि 3 से 4 महीने में कराएंगे रीट भर्ती। और उसके अंदर उस टाइम पे बोला था मंत्री के द्वारा कि आपकी जो रीट भर्ती है वो 3 से 4 महीने में करवाएंगे। लेकिन अभी हाल ही का जो लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए, न्यूज़ अपडेट के माध्यम से इसके अंदर दे रखा है कि रीट भर्ती जल्द ही जारी होने वाली। यहाँ देखिए दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट है 20 तारीख का। यहाँ पे देखिए, राजस्थान में जल्द शुरू होने वाली है रीट भर्ती, और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे देंगे। कि देखिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने के मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने एवं सब कमेटी में विचार विमर्श करने के बाद सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए विद्यार्थी हित में परीक्षा को तय समय पर ही कराने का फैसला किया। इसका मतलब दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम भी नहीं, जो एग्ज़ाम डेट है वो नहीं बढ़ने वाली है। और आंदोलनतर सभी युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि आंदोलन समाप्त करें। बहुत जल्द ही रीट की घोषणा की जा रही है, जिसमें अच्छे से तैयारी करके शामिल हो सकते हैं। ये बात है जो मंत्री डोडासरा ने कहा है। कुछ दिनों पहले ही मंत्री ने आओ चले विद्यालय की ओर अभियान के तहत बीकानेर संस्था प्रधानों एवं संभाग के अधिकारियों से संवाद के दौरान कहा कि बहुत ही जल्द थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती घोषणा होगी। आगामी एग्जाम से सभी शिक्षकों को शाला दर्पण पर ऑनलाइन उपस्थिति और सरकार जल्द ही शिक्षक स्थानांतरण की नीति बनाएगी। ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है 20 दिसंबर का, जो मंत्री डोटासरा ने कहा है। इसका मतलब है कि रीट भर्ती जल्द से जल्द 1-2 दिन या दिसंबर में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और दूसरी बात है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड भर्ती की जो एग्ज़ाम डेट है, वो शायद मुश्किल है कि नहीं बढ़ाई जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये थी रीट भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट दोस्तों। और सभी प्रकार की जो लेटेस्ट अपडेट है एजुकेशन से संबंधित, आने के लिए आप बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल आर के अलर्ट में। और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।